नमस्कार दोस्तों, जब कभी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात होती है तो राइट विंग और लेफ्ट विंग सपोर्टर्स के बीच में एक डिबेट चालू हो जाती है। उस डिबेट के अंदर वो अपने अपने ओपिनियंस बताते हैं कि प्राइवेटाइजेशन सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। लेकिन क्या इंडिया के लिए प्राइवेटाइजेशन सही है? प्राइवेटाइजेशन लाने से इंडिया की GDP में इंक्रीजमेंट आएगा या फिर इंडिया के लोगों को इन्फ्लेशन सहना पड़ेगा? इसीलिए ऐसे ही कुछ कन्फ्यूजन से भरे हुए क्वेश्चनों को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को हम डीपली एनालिसिस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, आपको प्राइवेटाइजेशन समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में कितने इकोनॉमिकल सिस्टम है। जनरली 3 इकोनॉमिकल सिस्टम है दुनिया में, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे सेक्टर प्राइवेटाइज्ड होते हैं और गवर्नमेंट के पास बहुत कम कंट्रोल होता है, जैसे USA। नंबर पे बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की, जिसके अंदर ऑल ओवर कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है और बहुत कम सेक्टर होते हैं जो प्राइवेटाइज्ड होते हैं, जैसे रशिया। तीसरे नंबर पे जो इकोनॉमी आती है वो इन दोनों का मिक्सअप होती है, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट के पास हक होता है वो कितना प्राइवेटाइज्ड करना चाहती है, कितना अपने पास रखना चाहती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया। इंडिया के अंदर क्या है कि कुछ सेक्टर प्राइवेटाइज्ड है, जैसे एयरलाइंस हो गई, कुछ सेक्टर अपने पास है गवर्नमेंट के पास, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया। जो कि आपने इकोनॉमिकल सिस्टम को समझ लिया है तो आप बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में, इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। पहले बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है फ्रीडम। देखो दोस्तों, जब किसी सेक्टर को प्राइवेटाइज्ड किया जाता है तो उस सेक्टर में सबको फ्रीडम होती है कि वो अपनी अपनी कंपनीज वहां जाके स्टार्ट कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एयरलाइंस। जब एयरलाइंस को प्राइवेटाइज्ड नहीं किया गया था तो उस वक्त एयरलाइंस की कंपनी 2 से 3 ही थी, बट जब प्राइवेटाइज्ड कर दिया गया तो अभी तक 40+ कंपनीज उसके अंदर आ चुकी है। दूसरी ओर जब पब्लिक सेक्टर की बात होती है तो उसके अंदर कोई फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट चाहे वही कंपनी ओपन कर सकती है और गवर्नमेंट चाहे वही कंपनी उसको स्टॉप कर सकती है। दूसरा एडवांटेज है प्राइवेटाइजेशन का, वो है कंपटीशन। देखो दोस्तों, जब फ्रीडम मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आगे यहाँ सेटअप होगी, उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और कॉम्पिटिशन बढ़ने के कारण जो उसके एम्प्लॉयज होंगे वो एफिशेंसी से बढ़ के काम करेंगे। बट पब्लिक सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, इसलिए वहाँ के एम्प्लॉयज भी एफिशिएंसी से काम नहीं करते, मतलब एक तरीके से लेजीनेस से काम करते हैं। तीसरा जो एडवांटेज है वो है बेटर सर्विसेज विथ लो प्राइस। देखो दोस्तों, जब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो लोग किसकी तरफ जाएंगे, जो बेटर सर्विसेज देंगे कम से कम प्राइस में देंगे उसी की तरफ जाएंगे। बट पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता, वहां पर प्राइस फिक्स होता है और वहां पर सर्विसेज जो आ रही है, चली आ रही है, वैसी मिलती है, कोई बेटर सर्विसेज नहीं मिलती, इतनी ज्यादा बेटर सर्विसेज नहीं मिलती। फोर्थ नंबर का एडवांटेज सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कैपेबल एंड डिजर्व एम्प्लॉयज गेट वर्क, ना कि किसी रिजर्वेशन पे यहाँ पर काम मिलता है। यहाँ पे जो काम करता है वही टिकता है और जो काम नहीं करता उसे कंपनी फायर कर देती है। और दूसरी ओर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, कोई काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका स्कूलिंग। स्कूलिंग के अंदर अगर कोई टीचर आ रहा है गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ा रहा है वो तो ठीक है, नहीं पढ़ा रहा वो भी ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई फायर नहीं करने वाला उसे। जो फिफ्थ नंबर पे एडवांटेज है वो है ये है कि इंक्रीजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो तो कोई फॉरेन कंट्री से कोई कंपनी आ रही है, वो वहाँ से एम्प्लॉय थोड़ी लेके आएगी, वो यहाँ के एम्प्लॉय को हायर करेगी। इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। बट दूसरी ओर जब पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, कि उसके अंदर क्या होता है कि फिक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, उसके अंदर और एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत नहीं होती। जो मैंने आपको बताया ये थे एडवांटेज प्राइवेटाइजेशन के। अब थोड़ा डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि वर्क फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर पब्लिक। देखो दोस्तों, आप ही सोच के देखो, अगर आपने प्राइवेट कंपनी चालू की है तो किसके लिए की है, प्रॉफिट के लिए। पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है वो पब्लिक के लिए काम करती है और जो पब्लिक सेक्टर से जितना भी रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता है वो गवर्नमेंट के हाथों जाता है और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट अपने पे ही खर्च करती है। बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में जितना भी रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता है वो एक इंडिविजुअल के हाथ में जाता है, वो इंडिविजुअल अपने ऊपर खर्च करता है, ना कि पब्लिक पे। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट मिलता है पब्लिक सेक्टर को, क्योंकि पब्लिक सेक्टर हमेशा पब्लिक के बारे में सोचती है, ना कि प्रॉफिट के बारे में। दूसरा और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मोनोपोलीज बनना चालू हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोलीज बनना चालू हो जाती है पर पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। और जो तीसरे नंबर की डिसएडवांटेज की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में नेपोटिज्म देखने को मिलता है पर पब्लिक सेक्टर में नेपोटिज्म नहीं देखने को मिलता।
फोर्थ नंबर पे जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो फॉरेन कंट्री से जितनी भी कंपनीज आएगी वो जितना भी रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करेगी वो अपने देश ले जाएगी, ना कि हमारे देश में रखेगी। इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें जितना भी रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता है वो गवर्नमेंट ही हाथों जाता है, और गवर्नमेंट कहाँ पर लगाती है, लोगों पर लगाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये सभी थे प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस टॉपिक की बात मैंने अभी तक वीडियो में नहीं की, वो है करप्शन। कौन से सेक्टर में करप्शन ज्यादा होगा, पब्लिक सेक्टर में होगा या प्राइवेट सेक्टर में? तो मेरा ओपिनियन ये है कि दोनों में करप्शन होता है। करप्शन की बात करें पब्लिक सेक्टर में तो आपको पता है पब्लिक सेक्टर में कैसा होता है, पर प्राइवेट सेक्टर में करप्शन होता है मोनोपोलीज बनाने के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको मोनोपोलीज और करप्शन होता कैसे। मान लो कोई फॉरेन कंट्री से कंपनी आई है, कंपनी एक्स मान लो, उसने अपने करप्ट पॉलिटिशियंस को पैसे दिए, और कोई भी स्टेट की, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट की उसने जो जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर थे उसने खरीद लिए, जिससे क्या होगा, जो दूसरी कंपनीज होगी लाइक जियो, आइडिया, एयरटेल, वो उससे कम्पीट नहीं कर पाएगी। ऐसे ही मोनोपोलीज बनती है कंपनीज की, जिसके पास जितना पैसा होगा उतनी मोनोपोलीज बनेगी। इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को एक्ज लानी चाहिए और हर प्रोडक्ट पर प्राइस कैप सेट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, देश में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। लास्ट में क्वेश्चन ये उठता है, क्या प्राइवेटाइजेशन हमारे देश को डेवलप कंट्री बना देगा? तो मेरे ओपिनियन में हाँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होने से ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होने से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार आएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हमारे से प्रोडक्ट लेगी, जिससे हमारा मेड इन इंडिया और मेड इन भारत का सपना पूरा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।